झांसी टू इंदौर मेरे साथ मेरी फैमिली थी, एक डॉग भी था, तो डॉग के चक्कर में ट्रेन ट्रैवल नहीं हो सकता था या बस ट्रैवल नहीं हो सकता था, तो मैंने कहा पर्सनल व्हीकल कर लेती हूँ। बट पर्सनल व्हीकल जैसे ही करने गया और आई वॉज कॉल्ड टू नंबर कि कोई टैक्सी मिलेगी क्या, तो पता चला कि वहाँ पर टैक्सी नंबर आया मेरे पास और एक बंदे का फ़ोन आया एट द सेम टाइम। जैसे ही मैंने सर्च किया तुरंत ही फ़ोन आया। ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आप सर्च करते हो तो गूगल में जब आप सर्च करते हैं ऐसी कोई भी चीज़ सर्च करने वाली जो लगातार सर्च करते हैं लगातार यूज होती है वो तुरंत फ़ोन लगा नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धड़ आपके पास फोन आना शुरू हो जाते हैं। वो साइबर जो क्रिमिनल होते हैं वो उनका सेट पैटर्न होता है। और फिर इनके साथ कितने का फ्रॉड हुआ? सर मेरे साथ तो ओनली 4000 का ही फ्रॉड हुआ था, बट आफ्टर सम टाइम मेरे को तो रिटर्न भी हो गया साइबर सिक्योरिटी से। एक्चुअली मैंने उन्होंने जल्दी से रिपोर्ट कर दिया होगा, अकाउंट में पैसा, हाँ अकाउंट में पैसा रहा होगा। 1930 में कॉल किया आपने? साइबर सेल के ऑफिस चला गया था झांसी। ओके, वेरी गुड। तो इनकी प्रॉम्प्टनेस से इनका जो हालांकि अमाउंट भी बहुत कम था, 4000 से सस्ते में निपटे, और लेकिन ये है कि जल्दी से जागरूक थे इसलिए पहुंच गए साइबर क्राइम के बारे में। लेकिन आम आदमी ऐसे कितने लोग हैं, जैसे बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि हमें कहाँ मदद मिलेगी। बाय एंड लार्ज साइबर क्राइम में अभी तक यही फोकस नहीं, लोगों को यही पता नहीं है कि हमें रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, और लोग बेचारे परेशान होते रहते हैं। इन्होंने गूगल पर सर्च किया तो इनके साथ फ्रॉड हो गया, बट फ्रॉड जो हुआ वो मतलब इन्होंने उसको कंपेंसेट भी कर लिया, पैसा भी वापस आ गया। इनकी गलती क्या रही मालूम है आपको? इनकी गलती यही रही कि इन्होंने गूगल ही सर्च कर लिया। डायरेक्टली गूगल से अगर आप सर्च करेंगे कस्टमर केयर का नंबर, किसी भी एजेंसी का नंबर, तो आप पाएंगे वो सारे नंबर फ्रॉडस्टर्स के होते हैं और वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। ये 4000 में गए थे। मैं अभी आपको एक केस बताता हूँ, लगभग 10 दिन पहले क्राइम ब्रांच इंदौर में एक केस आया था। इसमें एक व्यक्ति था जो कि कॉन्ट्रैक्टर था बेंगलोर में, तो इंदौर में कहीं रहता था वो, मुरैना का रहने वाला था, सबलगढ़ एरिया से। उसने बताया कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि हॉटस्टार आपका एक्टिवेट, मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे आपके 499 ये पैसा आपका कट जाएगा क्योंकि DFT पे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसने बोला कि चूँकि मैं देखता नहीं हूँ तो हॉटस्टार को डीएक्टिवेट कराया जाए क्योंकि अनावश्यक पैसा कट जाएगा। और उसने क्या किया, और उसने गूगल से हॉटस्टार का कस्टमर केयर नंबर ले लिया। चूँकि गूगल से उसने कस्टमर केयर नंबर ले लिया, उसके बाद उसका पलट के कॉल आया कि आपके पास, अच्छा आप क्यों कराना चाहते हैं, और उससे कुछ करिए, ठीक है अगर आप डीएक्टिवेट कराना चाहते हैं तो एक लिंक भेज रहे हैं और लिंक को आप क्लिक करिए, और लिंक को क्लिक करने के बाद आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भर दीजिए। उसने इंफॉर्मेशन भर दी और डीएक्टिवेट, उसने सोचा कि उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। बट सरप्राइजिंगली अगर आप पाएंगे 2 घंटे बाद उसके अकाउंट से पैसे निकल गए 1,10,000। और इंटरेस्टिंगली उसी के डॉक्यूमेंट्स यूज करते हुए 2 घंटे में ही 18 लाख रुपए का ICICI से लोन भी ले लिया। अब उस पर देनदारी कितने की, कितने का फ्रॉड हो गया, 19,10,000 का फ्रॉड हो गया। अकाउंट से पूरे पैसे ले लिए, प्लस उसके जो इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए तुरंत पर्सनल लोन भी फाइनेंस करा लिया 18 लाख का ICICI बैंक से। आप सोचिए कितने का फ्रॉड हुआ। इनके साथ 4000 का हुआ, उसने गलती की, 499 वाली गलती थी, मात्र छोटी गलती थी, तो उससे भी मिस्टेक हुई। क्या हुई, उसने नंबर गूगल से लिया। तो ये क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है, मैं इसी से शुरू करता हूँ। पहली बात बिल्कुल गांठ बांध के रख लें, कभी भी कस्टमर केयर का, किसी भी सर्विस सेंटर का, किसी भी एजेंसी का, कोई भी CM हेल्पलाइन नंबर, कोई भी आप ऐसा नंबर डायरेक्ट गूगल से सर्च नहीं करें, इससे फ्रॉड होगा। अगर आपने गूगल से सर्च किया तो आपके ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर हम नंबर कहाँ से लेंगे, नंबर हम लेंगे ऑथेंटिक वेबसाइट से लेंगे, SBI बैंक की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाएंगे। अगर SBI हेल्पलाइन नंबर चाहिए, हॉटस्टार का अगर हमें कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, तो डायरेक्ट गूगल से सर्च ना करते हुए पहले हॉटस्टार की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट से नंबर को सर्च करेंगे। जो सिक्योर वेबसाइट होती है, अगर आपने देखा होगा HTTPS लगा होता है, ताला बना होता है, तो बेहतर ये है आप उसका इस्तेमाल करें। आप सोचें वो भी इंजीनियर था, उसके साथ फ्रॉड हुआ, बट आप इनके साथ 4000 का हुआ, पर कितने का भी हो सकता है आप समझ सकते हैं। मेरे अकाउंट में तो 50,000 है, बट यू नेवर नो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हुए आपके लोन ले लेंगे तब आप क्या करेंगे। उस बेचारे का अकाउंट खाली तो हुआ ही हुआ, इसके अलावा उसकी EMI और बढ़ गई। सो दैट इज़ द केस। इनके केस से कस्टमर केयर से कभी भी नंबर सर्च ना करें, कोशिश करें ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाए, सिक्योर वेबसाइट पर जाए। सर वन मोर एक्सपीरियंस।